जीजाजी का मामी बना रही है स्याला को रोटी। तो गाइस हम लोग सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अभी 1 बजने वाला है। यहाँ पे गांव की धूमधाम। एक समय ऐसा होता था घर में सिर्फ दिवाली मतलब दिया जलाया जाता, आजकल तो लाइट आने का वजह से वाह बोरिया। फुलझड़ी ये दिवाली अभी तक खत्म नहीं हुआ, कल तक परसों तक रहेगा। फुश फुश वाली है ये आपकी दिवाली। हरिया में जीजाजी का मामी बना रही है स्याला को रोटी। स्याल रोटी भंजन सेला को रोटी हो यो। तो यहाँ दी चावल बास रही है। वेलकम बैक टू द चैनल। आज है भाई दूज, तो यहाँ पे तैयारी हो रही है और यहाँ पे दीदी हम लोग का दाढ़ी आजकल को फैशन हो। साल भर घर मान जान और गाइस ये है आटा और पीठा बोलते हैं इसे, पीठा से बना हुआ। इसे पहले फोरहेड पे लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर डिफरेंट कलर लगाया जाता है जो 7 कलर्स होते हैं। उसके बाद आता है ग्रीन कलर। हम जा रहे हैं ड्रोन को उड़ाने के लिए विद पांजी के साथ। तो हम आए थे ड्रोन उड़ाने के लिए बट ड्रोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा लोकेशन है। ड्रोन उड़ाने आए थे पर ड्रोन बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं, तो अब हम फिर जा रहे हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो ये रहा खेत बारी, हम लोग का नहीं है।
तो गाइस मेरा वांजी स्कूटी चला रही है, उसको एक बार ही दिखा दिया था, बस समझ गया कि इसने कभी भी स्कूटी चलाया ही नहीं था, तो इसको एक बार समझा दिया। इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है चार्जिंग करने में, बाकी सब तो बस कर ही रहा है, चल रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, गिरा ही देगी ना। तो ये देखो सुंदर सुंदर धाम, और हाँ इधर भी सुंदर सुंदर, हर तरफ है हरियाली है, यहाँ पे हरियाली हरियाली। अब है दीदी की बारी, दीदी को भी एक बार सिखा देगा, वो भी सीख। तो पूरा ये गांव जो जितना भी गांव था एरिया पूरा घुमा दिया, बस एक ही बार बता दिया और थोड़ा सा बैलेंस करा दिया, चीज़ों का समझा दिया, खत्म। अभी जगह जगह में थोड़ी सी प्रॉब्लम, धीरे धीरे से आराम से।